सारे दोस्तों, क्या हालचाल? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं घर पर ही बनाने जा रही हूँ पानी पूरी। उसके लिए मैंने ये पैकेट ले लिया है। इसके अंदर जो है रेडीमेड पानी पूरी आती है। आप इसको फ्राई करके गोलगप्पे का शेप बना सकते हैं। और पानी में घर पर ही बनाऊंगी, तो चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। तेल एक बार गर्म हो गया है, हम इसको मीडियम गैस पर कर देंगे और 3 से 4 हम इसमें फ्राइज डालेंगे। जब एक साइड की फूल के ऊपर आ जाएगी तभी हम इसको दूसरी साइड में टर्न करेंगे। गोलगप्पे अभी हमने इतने से ही फ्राई किए हैं। देखिए सिर्फ एक खराब हुआ था, उसके अलावा ये सारे बाकी बहुत अच्छे से फ्लफी बन गए हैं, फूल के एकदम। और थोड़ी देर मैंने इनको ठंडा होने के लिए रख दिया है, जिससे थोड़े से और क्रिस्पी हो जाए। यहाँ पे ये ग्रीन चटनी है, इसका मैं बनाऊंगी खट्टा पानी। और ये है इमली की चटनी, इसका मैं बनाऊंगी खट्टा मीठा पानी। ये है गोलगप्पों के बीच में भरने वाली स्टफिंग। इसमें है बॉइल किए हुए काले चने, प्याज, आलू बॉइल किया हुआ, और ये जो खराब हो गया था इसको मैं क्रश करके इसके अंदर ही डाल दूंगी। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूं थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा नमक, ये सिंपल नमक है, और थोड़ा सा काला नमक। इन सबको मैं अच्छे से मिक्स करके एक साइड में रख दूंगी। तो चलिए धनिए और पुदीने और खट्टा और तीखा पानी बनाने के लिए हम इसमें चटनी ऐड कर लेते हैं। 3 चम्मच मैंने चटनी के लिए है। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा काली मिर्च, इन सब चीजों को एक साथ मिक्स कर देंगे। और फिर इसमें धीरे धीरे पानी ऐड करेंगे। ये करीब 1/2 लीटर के अकॉर्डिंग मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नींबू का रस। थोड़ा पानी चेक कर लेती हूँ। बिल्कुल परफेक्ट बना है। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूंगी बर्फ। अब हम बना लेते हैं मीठा पानी। इसके लिए मैं ले रही हूँ इमली की चटनी। इसमें मैं जो बेसिक मसाले हैं वही ऐड कर रही हूँ, नमक, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा अमचूर पाउडर,
थोड़ा सा चाट मसाला। इसमें जो क्वांटिटी है मसालों की वो थोड़ी कम ही जाएगी। थोड़ा सा काली मिर्च और थोड़ा सा भुना जीरे का पाउडर। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 चम्मच पिसी हुई चीनी। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे इसमें। थोड़ा सा पानी चेक कर लेती हूँ। नमक थोड़ा सा कम लग रहा है, थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। दो चम्मच मैंने चटनी और ऐड किया है इसमें। बस अब इसमें भी बर्फ ऐड कर देंगे। इस पे ऐड कर देते हैं थोड़ा थोड़ा बूंदी। तो चलिए इसको हम स्टफिंग करके और टेस्ट करवाते हैं बच्चों को, वो बताएंगे कैसा बना है। थोड़ी सी स्टफिंग डाल दी है, साथ ही हम डालेंगे इसमें चटनी। ये हो गया हमारा तीखा और खट्टा पानी वाला। दूसरा भी प्रिपेयर कर लेते हैं साथ के साथ। स्टफिंग ऐड करेंगे, चटनी, खट्टा और मीठा पानी। चलिए हिमांशी टेस्ट करके आपको बताएगी।